नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। विवाहिता को 2.5 लाख में बेचा, पति सहित दो पर मामला दर्ज। घूमने का झांसा देकर विवाहिता को 2.5 लाख रुपए में राजस्थान में बेचे जाने का मामला सामने आया है। इमामवाड़ा पुलिस ने विवाहिता के पति और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 माह बाद यह मामला सामने आया है। आरोपी राहुल मेश्राम गंगाबाई घाट निवासी तथा उसका साथी जमुना लाल है। पीड़ित 28 वर्षीय युवती है तथा वह अपने पति से अलग रहती है। उसे 2 बेटियां है। वह कुछ समय पहले राहुल मेश्राम के साथ पत्नी की तरह किराए से रहती है। पीड़िता ने 6 अक्टूबर को अपनी मां को फोन पर बताया कि उसे घूमने के बहाने राजस्थान लाया गया है। उसे 2.5 लाख में कोटा के पास रहने वाले एक व्यक्ति को बेचने की जानकारी दी। उसे वहां बंदी बनाकर रखा गया है। किसी तरह मदद मांगकर वह फोन कर रही है। विवाहिता ने अपनी मां को पुलिस की मदद से राजस्थान आकर उसे मुक्त कराने की याचना की। उसकी मां ने तत्काल इमामवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी और विवाहिता की खोज में एक दल राजस्थान रवाना किया है। बताया जाता है कि इमामवाड़ा थाना परिसर की कई युवतियां इसी तरह राजस्थान और दूसरे राज्यों में बेची गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर रंजिश के चलते इमामवाड़ा में नाबालिग आरोपियों ने दिन दहाड़े एक हम उम्र को चाकू घोंप दिया। 17 वर्षीय अंशुल थूल का हम उम्र मित्र से 1 माह पहले विवाद हुआ था। इसके बाद से दोनों के बीच खुन्नस चल रही थी। मंगलवार दोपहर अंशुल अपनी मित्र रिंकी व तन्नू के साथ बात कर रहा था। उसी वक्त 2 नाबालिग आरोपी वहां आए। उन्होंने गालियां देते हुए अंशुल पर चाकू से हमला कर दिया। उसे जख्मी कर दोनों फरार हो गए। इमामवाड़ा पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। बचाओ! बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ! बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! बचाओ! कौन हूँ मैं? मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुले आम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत मत। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद।